हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज के वीडियो सेशन में हम पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने हमारे चैनल पे रूट वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये नौवा पार्ट है सीरीज का। पहले 8 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके पहले देखिए। जैसे कि ये सेशन रहेगा कि हम 5 रूट वर्ड्स लेंगे, उनकी मीनिंग देखेंगे, उनका एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स की डेफिनेशन देखेंगे। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स में भी अप्रोच इसी तरह रही है, ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला रूट वर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है नेट, मीनिंग है बॉर्न। एग्जाम्पल लेंगे इनेट और नेटल। इनेट का मीनिंग है इंक्लूडेड सिंस बर्थ, तो बर्थ मतलब बॉर्न से डिराइव्ड है। कहाँ से आया है? नेट वाले रूट वर्ड से। नेटल में देखते हैं रिलेटिंग टू बर्थ, तो बर्थ भी बॉर्न से डेरिवेटिव है। इसमें कहाँ से बॉर्न आ रहा है? नेट जो रूट वर्ड है उधर से, ठीक है। तो आपने देखा कैसे अगर रूट वर्ड पता है तो ओरिजिनल वर्ड की राउंड अबाउट मीनिंग पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी तो भी, ठीक है। सेकेंड रूट वर्ड देखते हैं नेव। नेव का मीनिंग है शिप। एग्जाम्पल्स है हमारे सरकम नेविगेट और नेवल। सरकम नेविगेट का मीनिंग है टू सेल अराउंड अ प्लेस, तो सेल आ रहा है शिप से, जिसकी रूट वर्ड है नेव, ठीक है। नेवल के लिए रिलेटिंग टू अ नेवी और वॉर शिप्स, इसमें भी नेवी शिप से रिलेटेड, तो कहां से आ रहा है? नेव से। तीसरा रूट वर्ड देख लेते हैं नेक्रो, मीनिंग है डेड या फिर डेथ। एग्जाम्पल लेंगे नेक्रोफिल और नेक्रोसिस। नेक्रोफिल का मीनिंग देख लेते हैं क्या है? लविंग डेथ। डेथ कहां से आ रहा है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस द डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिजीज और इंजरी, तो डेथ कहां से आ रहा है? नेक्रोसिस, ठीक है। चौथा रूट वर्ड देख लेते हैं नेग। नेग का मीनिंग है नो। एग्जाम्पल्स लेंगे नेगेट और नेगेटिव। नेगेट का मीनिंग देख लेते हैं टू से इट डिडंट हैपन, डिड नॉट। Not मतलब नो का डेरिवेटिव कहां से आ रहा है? नेग जो रूट वर्ड है वहां से। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव, मीनिंग क्या है इसका? नो, डायरेक्ट नो कहां से आ रहा है? नेग से आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रूट वर्ड का मीनिंग पता हो तो ओरिजिनल वर्ड का अप्रोक्सीमेट मीनिंग निकाल सकते हैं। पांचवा और आखिरी रूट वर्ड देखेंगे न्यू, मीनिंग क्या है? न्यू या फिर रिसेंट। एग्जाम्पल लेंगे न्यू क्लासिक, मीनिंग क्या है? अ रिवाइवल ऑफ क्लासिक फॉर्म, ठीक है। रिवाइवल मतलब रिसेंट रिवाइवल, कहां से आ रहा है? नियो से आ रहा है। तो आपने देखा कि सेशन में कि किस तरह अगर रूट वर्ड पता हो तो इससे डिराइव्ड जितने भी वर्ड्स हैं, इससे निकलने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उसका अप्रोक्सीमेट मीनिंग आप फाइंड कर सकते हैं, जिससे जो सवाल पूछा गया है उसका एजुकेटेड गेस जरूर आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर के लिए थ्योरी नहीं है, एग्जैक्ट आंसर के लिए मेथड नहीं है, पर अगर आपको एजुकेटेड गैस लगाना है, जो बहुत बार आपको लगाने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इंग्लिश सेशन में, इंग्लिश सेक्शन जो है, इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, उसमें जरूरत पड़ जाती है, तो इसके लिए अपने पास सेकंड प्लान होना चाहिए। वो प्लान रहेगा आपका रूट वर्ड का, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला, इससे पहले 8 पार्ट हमारे और हैं, उसको आप देखिए चैनल पे जाके, बहुत ही यूजफुल सेशन है वो भी। नेक्स्ट लेकर आएंगे हम पार्ट 10, तब तक के लिए धन्यवाद।